नमस्ते सभी को, मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु में अपने सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। हेयर फॉल में मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल्स हो रहा है। लोग ये जो मेरे पे कंप्लेंट आ रही है, दे आर लुकिंग फॉर कि कुछ हमें कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दीजिए। डैंड्रफ हो रहा है, बाल ड्राई हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रहा, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, तो क्या करें आप, है ना। ये बच्चों में भी हो रहा है ना, क्योंकि ये कुछ हम सोचने की वजह से भी होता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेवल से भी होता है, हमारे खान पान से होता है, हमारे प्रोटीन लेवल से होता है। क्योंकि सर्दियों का मौसम है, इतने अच्छे फ्रूट्स हैं, विटामिन सी यू कैन टेक इजीली दिस टाइम, विटामिन के यू कैन टेक इजीली दिस टाइम, एंड मैनी अदर थिंग्स लाइक ऑयल, सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है सर्दियों में बालों के लिए। तो आप एक लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसमें एक कप मैं आपको एक कप को ये रेशो के हिसाब से बता रही हूँ, एक लोहे की कढ़ाई लीजिए, जो मैं बता रही हूँ वही आपको चीज़ यूज़ करनी है। एक कप सरसों का तेल लीजिए, एक चम्मच मेथी दाना, एक चम्मच जिसे फेनुग्रिक सीड्स बोलते हैं, एक चम्मच कलौंजी जिसे हम अचार में भी डालते हैं, ब्लैक कलर की होती है ना, और उसमें आप 50 पत्ते कड़ी पत्ते के डालेंगे, या तो आप ड्राई डालिए या आप उसे फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। उसे धो के उसका पानी जब सूख जाए फिर आप उस तेल में डालिए, और उस तेल को आप 15 मिनट सिम पे पकने दीजिए। 15 मिनट के बाद आप गैस को बंद करिए, है ना, और वो जो तेल है या तो आप स्ट्रेनर से छान लो, या उस तेल को ऐसे ही कांच की बॉटल में आपको डालना है, और आपको हफ्ते में 2 बार तेल लगाना है, ठीक है। जैसे आप या तो रात को लगा लो और सुबह वॉश कर लो, और अगर आप रात को नहीं लगा सकते तो आप शैम्पू से आधे घंटे पहले उसे लगाओ, अच्छे से स्कैल्प पे मसाज करो, आप देखोगे आपकी हेयर ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाएगी, शाइन कितना अच्छा हो जाएगा, बालों में फ्लफीनेस कितना अच्छा हो जाएगा, बालों का झड़ना, डैंड्रफ, सूखापन, ये सब आपको धीरे धीरे ख़त्म होता मिलेगा। साथ ही साथ आप और क्या कर सकते हैं, जैसे आपको तेल लगाना पसंद नहीं है किसी किसी को, तो वो क्या करेगा, वो 2 प्याज लेगा, उसको ग्रेट करके उसका जूस निकालेगा, उसके अंदर या तो सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल या तिल का तेल या ऑलिव ऑयल, एक चम्मच कोई भी एक तेल आप डालेंगे, उसे मिक्स करिए और फिर उसे स्कैल्प पे लगाइए कॉटन से, और फिर जो बच गया उसे बालों में लगाइए। आधे घंटे वेट करिए, शैम्पू से पहले करना है आपको, आधे घंटे वेट करिए, उसके बाद आप शैम्पू करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट तरीका। और आप क्या कर सकते हैं, आप मेथी दाना लो, जितना मेथी दाना उतना ही कलौंजी, दोनों का रेशो सेम, दोनों का पाउडर बनाओ मिक्सर में, और उसको आप दही में मिक्स करके बालों में स्कैल्प में लगाओ, ये स्पा का काम करता है। आप उसको केले के जो पका हुआ केला होता है उसमें मिक्स करके आप बालों में लगाइए। आप कोकोनट मिल्क साउथ में बहुत ईजीली मिल जाता है, कच्चा कोकोनट लेके आप उसका दूध निकालिए, आप उस दूध को उसमें डालिए, दैट यू कैन यूज़ ऑन योर हेयर्स। सो दोज आर फैंटास्टिक वे ऑफ डूइंग स्पा एट होम, अपने बालों को आजकल के केमिकल से, शैम्पू से बचाने के लिए बहुत अच्छा वे है। आप जो आजकल आंवला है उसको ड्राई कर सकते हो, उसका पानी बना के आप बालों को वॉश कर सकते हो, वो आपके बालों को नेचुरल ब्लैक करेगा, है ना, स्ट्रेंथन भी करेगा और अच्छा भी होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो सबको करनी चाहिए अपने घर में, अपने बच्चों को देनी चाहिए। दीज आर सम आयुर्वेदिक नेचुरल वे जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। देखिए, बिना ट्राई करे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप इतने सारे शैम्पू ट्राई करते हैं, आप इतने सारे केमिकल्स को ट्राई करते हैं बालों में, आप पार्लर्स में जाके, है ना, आप स्पा कराते हैं, आप दवाइयाँ खाते हैं, आप उसमें पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, तो दिस इज़ तो सब कुछ आपके सामने है, आपके घर में, आपके किचन में है, सालों से चलती चली आ रही है। हमारे दादू दादी मम्मा पापा सब ने ये यूज़ किया है, हमने हमारी बुक्स में ये लिखा हुआ है, तो बिना ट्राई किए तो हमें रिजल्ट मिलेगा नहीं। सो ट्राई, and if you have any issue you can write down on the comment box of the video. Thank you so much. I hope ki video aapko achhi lage aur ye aapke liye jankari se bharpoor ho, isme jo aapne mujhse pucha tha wo maine aapko share kiya. Thank you.